दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक समय था जब अभिनेताओं के मुकाबले अभिनेत्रियों को हमेशा ही पीछे रखा जाता था, फिर चाहे बात हो फिल्मों में उनके रोल की या फिर उनके फेस की। पर बदलते समय के साथ बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने हमेशा ही खुद को अभिनेताओं से हर मुकाम पर आगे निकाल लिया है, और यही वजह है कि आज हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी ऐसी अभिनेत्रियां मौजूद हैं जिनकी कमाई न सिर्फ हर किसी के होश उड़ा देती है बल्कि इन्हें बॉलीवुड की करोड़पति अभिनेत्रियां भी कहा जाने लगा है। और इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की उन्हीं करोड़पति अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सी अभिनेत्री है कितने करोड़ की मालकिन। नंबर 7, काजोल। इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम शुमार है अभिनेत्री काजोल का, जो कि 90 के दशक की नंबर 1 अदाकारा रही है, जिन्होंने न जाने कितनी ही ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है और अपनी खास जगह बनाई है। वहीं अगर बात करें इनकी नेटवर्थ की तो आपको बता दें आज भी काजोल अपने करियर में एक्टिव है, जिसकी वजह से इनकी नेटवर्थ 180 करोड़ रुपए बताई जाती है। नंबर 6, अनुष्का शर्मा। अब बात करें अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की नेटवर्थ के बारे में, तो जैसा कि सभी जानते हैं अनुष्का बॉलीवुड इंडस्ट्री की यंग अभिनेत्रियों में सबसे टैलेंटेड अभिनेत्री है, जो कि आज के दिन अपनी एक फिल्म को करने के 12 करोड़ रुपए लेती है, तो वहीं ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 4 करोड़ रुपए तक की फीस चार्ज करती है, जिसकी वजह से इनकी नेटवर्थ भी 200 करोड़ रुपए से ऊपर ही बताई जाती है, जिसके बदौलत ही इनके कई घर और अपना प्रोडक्शन हाउस भी है। नंबर 5, ऐश्वर्या राय। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती के दम पर लाखों दिलों को दीवाना बनाने वाली ऐश्वर्या राय भी बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक है, जो कि एक फिल्म को करने के 5 से 6 करोड़ तक चार्ज करती है। इसके साथ ही ये एंडोर्समेंट और अपने बिजनेस के जरिए भी करोड़ों रुपए छापती है, जिसकी बदौलत इनके नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए के करीब बताई जाती है। नंबर 4, करीना कपूर। जब वी मेट और गुड न्यूज और बॉडीगार्ड जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाली करीना कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे महंगी अभिनेत्री में से एक है, जो कि एक फिल्म को करने के 10 से 12 करोड़ रुपए चार्ज करती है, तो वहीं इसके साथ ही ये स्टेज शो, रेडियो शोज और एडवर्टाइजमेंट से भी काफी अच्छी खासी कमाई कर लेती है, जिसकी वजह से इनकी टोटल नेटवर्थ का अनुमान 413 करोड़ रुपए लगाया जाता है, जिसकी बदौलत जहां इनके पास मुंबई में ढेरों घर है तो वहीं स्विट्जरलैंड में भी काफी खूबसूरत आशियाने की मालकिन है। नंबर 3, कैटरीना कैफ। हाल फिलहाल में अपने रॉयल शादी की वजह से चर्चाओं में रही कैटरीना कैफ कितनी ज्यादा नेटवर्थ की मालकिन है, ये तो इनकी शादी को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है। आपको बता दें बॉलीवुड की ये गॉर्जियस अदाकारा भी एक्टिंग के साथ साथ मॉडलिंग, एडवर्टाइजमेंट और अपने ब्रांड के ब्यूटी के जरिए भी करोड़ों रुपए कमाती है, जिसकी वजह से आज इनकी नेटवर्थ भी 250 करोड़ रुपए से ज्यादा ही आंकी जाती है। नंबर 2, दीपिका पादुकोण। पद्मावत, कॉकटेल और बाजीराव मस्तानी जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भला इस लिस्ट में कैसे पीछे रह सकती है। और बात करें कि ये कितने करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है, तो बता दें दीपिका पादुकोण वर्तमान में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है, जो कि सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि मॉडलिंग और एडवर्टाइजमेंट से भी करोड़ों रुपए कमाती रहती है, जिनकी आज के दिन नेटवर्थ 170 करोड़ रुपए बताई जाती है। नंबर 1, प्रियंका चोपड़ा। इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम शुमार है अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का, जो कि बॉलीवुड फिल्मों में जहां हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस के तौर पर सामने आई तो वहीं हॉलीवुड में भी इन्होंने फिल्मों, स्टेज शो और अपने गानों के जरिए तमाम कमाई कर आज अपने नाम 283 करोड़ रुपए की संपत्ति कर ली है, जिसकी वजह से ही आज प्रियंका चोपड़ा न सिर्फ करोड़ों रुपए के आलिशान घर में रहती है बल्कि जैगुआर, पोर्श केन और कर्मा फिशर जैसे महंगी महंगी गाड़ियों की मालकिन है। तो दोस्तों आप बॉलीवुड की इन करोड़पति अभिनेत्रियों के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।